तो अगले क्लास में हम लोग फाइलिंग के बारे में देखे थे, ठीक है। इसको देखें फाइलिंग कैसे किया जाता है, इसमें कई सारे सारे चीज़ है जो है मैंने नहीं दिखाया था, तो मैं आज वो चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी स्क्वायर फाइलिंग में जब करने के पहले मेटल को किस तरीके से मार्क किया जाता है, ठीक है। स्काई बार का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। पंच का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, वो सारे चीज़ दिखाएंगे। तो ये जो मेटल है इसी को हम लोग बनाए थे कल, तो इसके ऊपर हम लोग चॉकिंग करेंगे और उसके बाद मार्क करेंगे। तो देखो किस तरीके से हम करते हैं। दिखा दे रहा ना? यस सर। तो पहले दिखा देता हूँ, यह जो है इसे पंच कहते हैं, ये बेसिकली प्रिक पंच है। इसका जो एंगल है, ये वाला मुंह पे जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, ठीक है। ये बेसिकली लाइन के ऊपर जो लाइन रहता है उसको विजिबल करने के लिए यूज होता है, और ये जो है स्क्राइबर है, इसको लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो पहले चॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली चॉक को थोड़ा भिगाने से अच्छा रहता है, थोड़ा भिगा लेता हूँ चॉक को। देखिए इसके ऊपर चॉक को भिगाने के बाद इसके ऊपर अगर मार्किंग करेंगे तो सूख जाएगा, तो वो रह जाएगा बढ़िया से। अब थोड़ा इसको सुखाते हैं। तो देखिए चॉकिंग करने के बाद इसका ऊपर का जो हिस्सा है किस तरह दिखता है, ठीक है। अब मुझे मेजरमेंट कर लेना है कि मुझे कितना इसमें काटना है। तो मैं जो है इसमें 6 और 7 mm रखता हूँ। ये हो गया आपका 5, 6, हो गया 7। तो इधर मैंने 7 mm का एक तो दाग दे दिया। इधर पर भी दे दिया। मार्क तो मैंने कर लिया 7 mm का, अब क्या है स्क्राइबर से उस मार्क को विजिबल करना है, ठीक है। अब
देखिए यहाँ पर 1 to 7 मिलीमीटर का दाग दिया था और इधर पर भी, ठीक है। अब उसको सीधा करके मुझे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। दिखाई दे रहा लाइन? यस सर। यस सर। अब इधर पर भी मैंने दो लाइन दिए थे, शायद देखिए मेरा हाथ के बगल में थोड़ा सा दिखाई दे रहा। उसको और इसको एक जगह करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दिखाई दे रहा? यस सर। यस सर। ओके। अब देखिए मैं इसको एक तो यू बनाने वाला हूँ, तो मेरा लाइन तीनों तरह ड्रॉ मैंने कर लिया है। तो स्क्राइबर का कैसे यूज किया जाता है मालूम पड़ा? यस सर, मार्किंग लाइन को ही करने के लिए। हाँ। अब क्या है, अब मुझे ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये ऐसे विजिबल हो, ठीक है, या काटने का समय, इसके ऊपर तो चॉकिंग किया है, काटने का टाइम मेरा हाथ लग जाएगा तो लाइन तो इरेज हो सकता है ना, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आप लोग का पंच है, पंच से इसको मार्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से मैं पंच से मार्किंग करता हूँ देखो। थोड़ा छाया पड़ रहा है इधर, बढ़िया। क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो लाइन है, सिर्फ लाइन को, लाइन के ऊपर मुझे पंच को रखना है, ठीक है, और इसे सीधा कर लेना है। करके ये हो गया आप लोग का हैमर, तो हैमर से इसको ऊपर से मार देना, ठीक है, थोड़ा जोर से मारना है ताकि बढ़िया से विजिबल हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा ना, यस सर। मैंने लाइन के ऊपर एक तो पंच लगाया। इस तरीके से पूरा लाइन पे पंच लगाना है, ठीक है। तो मैं पंच लगा, तो देखते जाइए। देखिए दिखाई दे रहा, यस सर। तो मुझे इस पोर्शन को अब काटना है। मैं अब का बढ़िया से विजिबल हो, कौन सा पोर्शन को काटना हो रहा ना, यस सर। यस इसीलिए सर। हम लोग को इसीलिए हम लोगों को पंचिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रिक पंच का यूज आप लोगों ने देखा कि प्रिक पंच किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या करने के लिए यूज होता है।
चलिए ऐसे काटते हैं। तो काटने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा मेटल को? हाँ, मैं ये करना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा ताकि मैं बढ़िया से इसको काट सकूँ। यह हो गया हैक्सो। हैक्सो तो आप लोग देखे ही होंगे घर में भी, ठीक है? तो इससे हम लोग काटेंगे। हैक्सो ब्लेड है थोड़ा पुराना हो गया, मैं इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सही यह हो गया आप लोग का हैक्सो ब्लेड। हैक्सो ब्लेड क्यों दिखा रहे हो? ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, हैक्सो ब्लेड लगाने के टाइम पे ये जो ब्लेड है आप लोगों को, इसका टीथ दिखाई दे रहा ना? यस तो टीथ देखिए, टीथ को ऑलवेज फॉरवर्ड डिरेक्शन में रखना चाहिए, ठीक है? तो अभी देखिए इस तरीके से अगर लगाएंगे, दिखाई दे रहा? साफ नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा धुंधला है रहा ना? यस सर, तो इतने याद रखिएगा, जो इसका टीथ है ना फॉरवर्ड की तरफ रहे, ठीक है? क्योंकि मैं इस तरह से काटूंगा ना, पीछे की तरफ तो नहीं काटूंगा, काटने का टाइम है इस तरह, तो टीथ जो है फॉरवर्ड की तरफ से रहेगा, ठीक है? देखिए थोड़ा साफा हो गया लग रहा है, नहीं हाँ हुआ? सर समझ गए हैं, पर देख नहीं रहा हिसाब से। तो मैंने लगा लेते हैं। Thank you.
एक साइड मेरा हो गया, अब दूसरे साइड में काटते हैं। दूसरा साइड जी वो भी कर चुका है। ठीक अब इसको तो तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर इसको इधर से काटने भी नहीं सकते हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसे तिरछा काटना पड़ेगा ताकि निकलेगा, बाकी फाइलिंग से कर देना पड़ेगा। फिर तिरछा काटते हैं। सर उस तरह क्यों काट रहे हैं?
मुझे ये जो है ये वाला पूरा हिस्सा निकाल देना है यहाँ तक, ये जो यहाँ पर मार्किंग किया था ना, तो इसको पूरा निकाल देना है। अब इस हिस्से को तो नहीं काट सकता ना, तो मैं बुलेट कहाँ से घुसाऊँ, बुलेट घुसाने का तो कोई जगह नहीं है, तो इसलिए इस तरह से काट रहा हूँ कि ये पोर्शन निकल जाए। अब निकल जाने के बाद इधर से काटूंगा तो इधर वाला पोर्शन निकल जाएगा, थोड़ा जो बीच में बचा रहेगा उसको मुझे फाइलिंग करके हटाना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। तो ये हिस्सा कट गया, साइड का हिस्सा काटना पड़ेगा। दिखाई दे रहा भाई कितना यस और सर। हिस्सा बचा है। अब इसको जो है मैं फाइलिंग करके आराम से निकाल सकता हूँ। समझ में आया? यस सर। धनी राम, फाइलिंग कैसे करते हैं? अगले क्लास में नहीं थे क्या 2 हफ्ते से? कैसे थे सर, भूल गए मैं। भूल जाए? पूरा फाइलिंग करके ये जो स्क्वायर मैंने अभी काटा, इसको तो 2 क्लास में बनाया पूरा, किस तरीके से स्क्वायर करना है इसको थोड़ा और थोड़ा काट लेता हूँ कि फाइलिंग करने में सुविधा हो। Thank you.
अभी देखिए जितना था अभी कितना कम है, अब इसको फाइलिंग करने में सुविधा होगी, ठीक है? तो फाइलिंग कर लेना, करेंगे। बोलो। सर, इसको ऐसे काटने में कोई मशीन नहीं है, ग्लेंडर मशीन? नहीं, ये तो हैक्सो से करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो ऑपरेशन है अच्छा, वो सिर्फ मैन्युअली करना है। अभी हैक्सो का किस तरह का यूज करें वो सीखना है, बेसिक। जी अब सर, जो मशीन है उसके लिए दूसरा सेमेस्टर है, तब जानोगे मशीन के बारे में। अभी तो तुम लोग का शुरुआत है ना, तो जो बेसिक जो मैनुअल होता है उसको जानना पड़ेगा कि काटने के लिए कौन सा चीज यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है? उसका यूज सीखना पड़ेगा, फिर जाके मशीन पे जाएंगे। तो सर टेंसारी इतना घिसने से उसे दांत खराब नहीं होता है? अच्छा, दांत खराब क्यों होएगा इसको? तो ड्यूरेबिलिटी उसका वैसे ही है ना, कि चलेगा कुछ देर तक। तो सिर्फ एक मेटल काटा हो ना, सिर्फ और भी 3-4 मेटल आराम से कट जाएगा। तो आज इसको यहीं तक छोड़ेंगे, फिर दूसरा दिन इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे, ठीक है?